हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिजाइनिंग ऑफ पीडीए। सो द प्रॉब्लम इज डिजाइन ए पीडीए फॉर द लैंग्वेज एल इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यूनियन ए की पावर एन बी की पावर टू एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके लिए हमें क्या करना है, आपको पीडीए डिजाइन करके देना है। ठीक है, तो दो लैंग्वेज का यूनियन है इसमें। अगर आप देखें, पहली लैंग्वेज ये दे रखी है, दूसरी लैंग्वेज ये दे रखी है, दोनों का यूनियन है। उसके लिए आपको पीडीए डिजाइन करना है। तो पीडीए डिजाइन करने का लॉजिक क्या है कि सबसे पहले आप क्या करिए, राइट द ट्रांजिशन फंक्शन फॉर ए एन बी एन। ये जो ए एन बी एन दे रखा है इसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन लिखिए। दूसरा क्या है कि फिर जो दूसरी ग्रामर है ए एन बी की पावर टू एन, इसके लिए ट्रांजिशन लिखिए। दोनों के लिए ट्रांजिशन लिख लिया। दोनों के लिए ट्रांजिशन लिखने के बाद कंबाइंड बोथ द ट्रांजिशन फंक्शन, उसके बाद दोनों के जो ट्रांजिशन फंक्शन है उनको क्लब कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए। ठीक है, उसमें अगर कोई ट्रांजिशन रिपीटेड हो रहा है, मान लीजिए सेम ट्रांजिशन ए की पावर एन बी की पावर एन में आया और वही सेम ट्रांजिशन ए की पावर एन बी की पावर टू एन में आया, देन राइट ओनली वंस, उसको सिर्फ एक बार लिखिए अगर रिपीट हो रहा है तो। ठीक है, डिफरेंट है तो अलग अलग लिखे जाएंगे, अगर रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखा जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि ए की पावर एन बी की पावर एन अगर दे रखा है जहाँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसकी स्ट्रिंग्स क्या होंगी। अगर मैं देखूँ एल वन वाले पार्ट की, ए की पावर एन बी की पावर एन है, एन जीरो है, तो स्ट्रिंग क्या क्या होंगी। जब एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा। वन रखेंगे एन की वैल्यू तो ए बी, टू रखेंगे तो ए ए बी बी, और ट्रिपल ए ट्रिपल बी, इस तरीके से स्ट्रिंग आपके आते रहेंगे। ऐसे L2 में क्या आएगा, L2 में भी अगर n की वैल्यू ज़ीरो रखूँगा तो क्या आएगा, लैम्डा। n की वैल्यू वन रखूँगा तो क्या आएगा, सिंगल ए डबल बी। n की वैल्यू टू रखूँगा तो क्या आएगा, ए ए बी 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 बी। n की वैल्यू थ्री रखूँगा तो क्या आएगा, ट्रिपल ए सिक्स टाइम्स बी। इस टाइप की ये स्ट्रिंग क्या करता है, प्रोड्यूस करते हैं। L1 इस टाइप की प्रोड्यूस करेगा, L2 इस टाइप की प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एन बी एन के लिए लिखते हैं किस तरीके से ट्रांजिशन फंक्शन लिखे जाएंगे। और ट्रांजिशन फंक्शन लिखे जाने के लिए ज़रूरी है कि हमें आना चाहिए कि किस तरीके से पी डी ए इनको काउंट करेगा। क्या काउंट करेगा, कि जितने ए हैं उतने ही क्या होने चाहिए, बी होने चाहिए। ठीक, ये जो लैम्डा वाला केस है दोनों केस में, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी केस एक जैसे सिक्वेंस के होंगे, उनको हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए लैम्डा वाले केस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपका कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, पहले ए की पावर एन बी की पावर एन के लिए मान लीजिए मैं ले लिया ट्रिपल ए ट्रिपल बी। भाई तीन बार ए है तीन बार बी है, ठीक, तो ये कैसे वर्क करेगा, किस तरीके से काउंट करेगा पीडीए। पहले इसे कोई स्टैक में डालेगा, यहाँ स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, जेड नॉट पड़ा हुआ है। इनपुट टेप पर आपने ये लिख लिया, जहाँ इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो रही होगी वहाँ क्या होगा उसके बाद में, नल स्ट्रिंग होगी। यहाँ पर ए है, यहाँ पर जेड नॉट पड़ा हुआ है, आप ए को डाल दीजिए। फिर ए आता है, यहाँ पर ए आता है, ए को डाल दीजिए। फिर यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए पड़ा हुआ है, ए को डाल दीजिए। यानी पहला स्टेप क्या है कि जितने ए आते हैं उनको स्टैक में डाल दीजिए। अब काउंटिंग करनी है कि जितने बी हैं उतने ए हैं, तो जैसे ही पहला बी आए इससे एक पॉप कर दीजिए, फिर दूसरा बी आए दूसरे वाले को पॉप कर दीजिए, तीसरा भी आए तीसरे वाले को पॉप कर दीजिए। और जब सारे सिंबल ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए, लैम्डा आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, जेड नॉट आना चाहिए। अगर यहाँ पर लैम्डा आने पर यहाँ जेड नॉट है, इसका मतलब है जितने ए थे उतने ही बी हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उस केस में फाइनल स्टेट में पहुँचा देंगे। ठीक, अब अलग से केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए अगर अलग सिर्फ स्ट्रिंग क्या है, लैम्डा है, यानी कि ये कुछ नहीं दे रखा आपको, पहली स्ट्रिंग सिर्फ क्या दे रखी है, लैम्डा दे रखी है। तो अगर इनिशियल स्टेट में ही यहाँ सिर्फ लैम्डा है, यहाँ पर जेड नॉट है, यानी कि नल स्ट्रिंग है, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, फाइनल स्टेट पर पहुँचा देंगे। दैट इज़ द एक्सेप्शनल केस, यहाँ पर नल स्ट्रिंग, यहाँ पर जेड नॉट, सीधे फाइनल स्टेट पर पहुँचा दीजिए। ये किसके लिए हुआ, ए की पावर एन बी की पावर एन के लिए। ठीक है, तो अब इसके ट्रांजिशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद एल टू के फिर बाद में देखेंगे। पहले एल वन के ट्रांजिशन देख लेते हैं, ए की पावर एन बी की पावर एन के लिए। स्ट्रिंग हमने एक सैम्पल स्ट्रिंग क्या ली थी अभी, ए ए ए बी बी बी। ठीक,
तो सबसे पहले हम कौन सा केस ले लेते हैं जो एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या था कि अगर इनिशियल स्टेट आपकी क्यू नॉट है, अगर इनिशियल स्टेट आपकी क्यू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्यू नॉट है इनिशियल स्टेट, यहाँ पर सिर्फ क्या है लैम्डा है, यहाँ पर क्या है सिर्फ जेड नॉट है इनिशियल स्टेट में। इस वाले केस के लिए क्यू नॉट स्टेट में यहाँ सिर्फ लैम्डा है, यहाँ जेड नॉट है, तो हमने क्या कहा था सीधे फाइनल स्टेट पहुँचा देंगे क्योंकि लैम्डा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो क्यू नॉट में अगर टेप पर आपका लैम्डा है, टेप पे लैम्डा है, स्टैक में क्या है जेड नॉट है, स्टैक में जेड नॉट है, तो सीधा आपने क्या किया किसने पहुंचा दिया फाइनल स्टेट में पहुंचा दिया, ठीक है, और जेड नॉट को बाहर कर दिया, जेड नॉट को बाहर कर दिया यानी कि जेड नॉट की जगह क्या बचा सिर्फ लैम्डा बचा, ठीक। हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, एम्प्टी स्टोर मेथड या एम्प्टी स्टैक मेथड, स्टैक को एम्प्टी कर दिया जो जेड नॉट था उसको बाहर निकल दिया तो ये बचा। दैट इज द एक्सेप्शनल केस जब सिर्फ नल स्ट्रिंग है, वो हमने सबसे पहले लिख दिया। अब बाकी केसेस को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें इक्वल है इक्वल भी होंगे। तो हमने एक सैंपल स्ट्रिंग ले रखी है ट्रिपल ए ट्रिपल बी, इसके लिए चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए जो आपकी स्टेट यहाँ पर क्यू नॉट है, इनिशियली कौन सी स्टेट आपकी क्यू नॉट, क्यू नॉट में यहाँ पर ए आता है, तो जब यहाँ ए आएगा यहाँ पर क्या आएगा जेड नॉट आएगा, ठीक। तो देखिए क्यू नॉट में यहाँ पर ए आया, यहाँ पर क्या आया जेड नॉट आया, ऐसा कितनी बार होगा कि यहाँ पर ए हो यहाँ पर जेड नॉट हो, ये सिर्फ पहली बार केस में होगा जब ए यहाँ होगा या जेड नॉट होगा, बाकी ये कभी दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो जो केस एक बार होता है उस केस में हम क्या करते हैं स्टेट को चेंज कर देते हैं। स्टेट चेंज करना क्या शो करता है कि ये केस सिर्फ एक बार हो रहा है, ठीक है। तो हमने स्टेट क्या कर दी क्यू नॉट से क्यू वन कर दी और इस ए को कहाँ डाल दिया स्टेट में डाल दिया, यानी जेड नॉट पहले से पड़ा हुआ था उसके ऊपर क्या डाल दिया आपने ए डाल दिया, केस सिर्फ एक बार चला, ठीक। जब हमें केस को कई बार चलाना होता है तो हम क्या कर देते हैं फिर स्टेट चेंज नहीं करते, स्टेट चेंज ना करने का मतलब उसी पे लूप चलता रहेगा। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर ए आ चुका है, अब अगला सिंबल यहाँ पर क्या है ए है, स्टेट कौन सी आ चुकी है आपकी क्यू वन, यहाँ पर क्या है अगला सिंबल ए, यहाँ पर क्या है टॉप ऑफ द स्टैक पर ए, टॉप ऑफ द स्टैक पर क्या है ए, यानी Q1 स्टेट आपकी Q1 आ चुकी है, यहाँ पर ए है यहाँ पर भी है। अब क्या ये केस एक बार होगा या मल्टीपल टाइम होगा, तो ये तो केस कई बार होगा, क्यों अगली बार फिर आएगा फिर यहाँ ही मिलेगा, और मान लीजिए और भी कई ए आते हैं यहाँ भी ये मिलेगा यहाँ ही मिलेगा, तो जो केस कई बार हो रहा है उस केस में हम क्या करते हैं लूप लगा देते हैं, तो जो स्टेट यहाँ है वह स्टेट यहाँ रहेगी, ठीक है। और इस ए को यहाँ डाल दिया, दूसरा वाला ए लिया ये वाला यहाँ डाल दिया, स्टैक में क्या हो गया ए ए, पुराना वाला ए जो पड़ा हुआ था उसके ऊपर जो नया वाला ए है वो ये आ गया, और क्यू वन स्टेट लगा दिया यानी कि स्टेट सेम है लूप लग गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जब अगली बार ए आया, अगली बार भाई स्टेट तो वही चल रही है क्यू वन, अगली बार यहाँ ए आया फिर यहाँ पर ए है टॉप ऑफ द स्टैक पर, तो फिर वही स्टेट रही क्या क्यू वन स्टेट रही और ये वाला ए यहाँ आ गया। तो जब तक ए आते रहेंगे हर ए स्टेट में जाता रहेगा और स्टेट आपकी क्या रहेगी क्यू वन रहेगी, ठीक है, स्टेट चेंज नहीं होगी क्योंकि लूप लग गया है। तो जब सारे ए आने खत्म हो जाएंगे और जैसे ही पहला बी आना शुरू होगा स्टेट कौन सी होगी, जब पहला बी आएगा स्टेट तो क्यू वन चल रही है आपकी, देखिए क्यू वन चल रही है और पहला बी आता है तो हमें क्या बताया था जब बी आता है तो हमें क्या करना पड़ता है हर बी के करस्पॉन्डिंगली एक ए को पॉप आउट कर देते हैं। लेकिन जब पहली बार बी आएगा, जैसे ही फर्स्ट टाइम बी आएगा तो ये फर्स्ट बी स्पेशल है, क्यों, एक बार जब बी आने स्टार्ट हो रहे हैं देखिए फिर ए कहीं नहीं आ रहा है, यानी ए की सीरीज जब ख़त्म हो जाएगी फिर बी आता है सिर्फ, तो जैसे ही बी आना स्टार्ट हुआ इसका मतलब है ए नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में जो हमें पिछला केस रिपीट नहीं करना होता है तो हम क्या कर देते हैं स्टेट चेंज कर देते हैं। स्टेट क्यों चेंज की, क्योंकि ए अब बी आना स्टार्ट हो चुका, अब ए वापस नहीं आएगा, तो क्यू वन स्टेट चल रही थी यहाँ बी आया यहाँ पर क्या पड़ा हुआ ए पड़ा हुआ है, आपने स्टेट क्या कर दी क्यू टू कर दी, ठीक, और इस बी के बदले यहाँ से एक ए बाहर निकाल दिया तो उसे किससे शो कर दिया लैम्डा से, ठीक। स्टेट कौन सी आ गई आपकी अब क्यू टू, लेकिन क्या हमारी ये तो हमने पहली बार स्टेट सिर्फ किस लिए चेंज की यहाँ पर, क्योंकि अब हमें ए पे नहीं जाना,
लेकिन ये वाला केस तो कई बार चलना है कि यहाँ पर भी हो, अब यहाँ पर ए आएगा, फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर ए है, तो लूप की जरूरत पड़ेगी इस केस में भी हमें। हमने लेकिन स्टेट क्यों चेंज की पहले, क्योंकि हमें एक नहीं आने देना, एक बार भी आना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब मुझे लूप भी तो चाहिए कि ये वाला भी इसे ए को निकाले, ये वाला भी इसे ए को निकाले। तो मैंने क्या किया, क्यू टू स्टेट आ चुकी थी, यहाँ पर अगर दूसरा भी है, यहाँ पर ए है, तो मैंने स्टेट सेम रहने दी। क्यों, मुझे लूप लगाना है कि हर बी हर ए को निकाले। स्टेट मैंने क्यू टू ही रहने दी और इस बी से इसे को निकलवा दिया। स्टेट क्या रही मेरी, क्यू टू, तो इस वाले दूसरे वाले बी ने दूसरे वाले को निकाल दिया। ठीक, अब फिर से देखिए, अब स्टेट क्या चल रही है हमारी, फिर से क्यू टू चल रही है। स्टेट कौन से चल रही है मेरी, क्यू टू। अब फिर तीसरा बी यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर ए है, फिर बी आया, फिर यहाँ पर ए है, फिर ये क्या होगा, इसको ये निकाल देगा। स्टेट वही रही, ये निकाल दिया। लैम्डा का मतलब निकालना बाहर, पॉप करना। ठीक, अब स्टेट कौन सी चल रही है मेरी, क्यू टू ही चल रही है। लेकिन स्ट्रिंग क्या होगी, ख़त्म होगी भाई। अगर और भी बी आ रहे होते तो फिर वो पॉप आउट कर रहे होते, तो ये लूप कब तक चलता रहता, जब तक ये बी ख़त्म ना हो जाते। जब सारे बी ख़त्म हो जाएंगे तो क्या आएगा, लैम्डा आएगा। देखिए क्यू टू में स्टेट तो क्यू टू ही चल रही है, जब सारी स्ट्रिंग ख़त्म होगी तो क्या आई, नल स्ट्रिंग, जो क्या इंडिकेट कर रही है कि टेप पर स्ट्रिंग ख़त्म हो चुकी है। और स्टैक के टॉप पर क्या है, जेड नॉट। अगर यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही हो, यहाँ पर जेड नॉट आ गया, इसका मतलब है जितने बी थे उन्होंने सारे ये निकाल दिए, तभी तो टॉप ऑफ द स्टैक पर जेड नॉट शो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है अब मैं फाइनल स्टेट पर पहुँचा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको फाइनल स्टेट पर पहुँचा दिया और जेड नॉट को बाहर कर दिया, लैम्डा कर दिया। ये किसका आ गया, मेरा ट्रांजिशन लास्ट वाले केस के लिए। ठीक, ये मैंने किसके लिए डिजाइन कर लिया, ए की पावर एन बी की पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये तो एक केस हो गया, दूसरी स्ट्रिंग क्या है हमारी, ए एन बी एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके लिए मैंने ये सैंपल स्ट्रिंग बताई थी आपको। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं क्या लॉजिक यूज करेंगे और उसके बाद इसकी ट्रांजिशंस लिखते हैं। इसकी भी कोई स्ट्रिंग ले लीजिए, मान लीजिए ट्रिपल ए और सिक्स टाइम्स बी है, ए ए ए, अगर थ्री बी हैं तो सिक्स, थ्री ए हैं तो सिक्स बी होंगे, बी 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 बी, और उसके बाद क्या होगा, लैम्डा, जो एंड को इंडिकेट कर रहा है इसमें। ठीक है, एक्सेप्शनल केस क्या होगा, लैम्डा, तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या इनिशियल स्टेट में भाई, अगर आप, हमने क्या बताया, अगर ए की पावर एन बी की पावर टू एन बी है, लेकिन एन की वैल्यू अगर जीरो लेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा ही आएगा, तो ये तो एक्सेप्शनल केस है। तो क्यू नॉट में अगर सिर्फ यहाँ पर लैम्डा है और यहाँ पर जेड नॉट है, क्यू नॉट में अगर यहाँ पर लैम्डा है और यहाँ पर जेड नॉट है, तो सीधा फाइनल स्टेट पहुँचा दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए। दैट इज द एक्सेप्शनल केस फॉर नल स्ट्रिंग। ठीक, बाकी केसेस के लिए वो डिस्कस करते हैं। बाकी केसेस का पहले लॉजिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ट्रांजिशंस लिखेंगे। तो लॉजिक क्या है वो देख लीजिए, यहाँ पर कितने ए हैं, थ्री ए हैं, और बी कितने हैं, सिक्स बी हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या काउंट करना, मुझे ये काउंट करना है कि बी ए से दूने हैं, बी इज टू टाइम्स देन ए। ठीक है, लेकिन स्टैक मेरा क्या करेगा, स्टैक में किस तरीके से मैं चेक करूँगा कि बी मेरे टू टाइम्स हैं। भाई ए अगर एन है तो बी टू टाइम्स हैं, तो वो मैं काउंट कैसे करूँगा, क्या लॉजिक लगाऊंगा, वो लॉजिक समझ लीजिए। जैसी मेरा पहला ए आए, इस ए के बदले, भाई पहला ए आया, यहाँ जेड नॉट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी ए आए मेरे, मैं क्या करूँ, उस ए के बदले स्टैक में कितने डालूँ, टू टाइम्स ए डालूँ। पहला ए आया, मैंने दो ए डाले, दूसरा ए आया, मैंने दो ए फिर से डाल दिए, फिर तीसरा ए आया, फिर से मैंने दो ए डाल दिए, ख़त्म हो गए। तीन ए आए, उसके बदले मैंने कितने डाले, छः ए डाले। ठीक, और उसके बाद क्या है, हर बी से हर ए को पॉप आउट कर दिया। अगर ऐसा करने के बाद यहाँ पर जब लैम्डा है, यहाँ पर जेड नॉट हो, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ मैंने, क्योंकि ए टू टाइम्स क्यों है, बी क्यों है टू टाइम्स ए के, क्योंकि हर बी ने हर ए को निकाला। तो छः बी ने कितने ए को निकाला, छः ए को निकाला, तो मुझे पता लग गया कि वो टू टाइम्स है। क्यों, क्योंकि मैंने हर ए के बदले दो ए डाले थे, हर ए के बदले कितने मैंने डाले थे, दो ए डाले थे,
तो जब सारे बी सारे को निकाल देंगे तो उसे पता लग जाएगा कि देखो छः बी ने छः को निकाला है, इसका मतलब कितने थे एक्चुअली में, तीन थे जिसके बदले मैंने कितने डाले थे, ए छः डाले थे, ठीक है। तो वो उससे पता लगा लेगा कि ए कितने थे, बी के हाफ थे, अगर बी सिक्स है तो ए कितने थे, थ्री, ठीक है। तो क्या लॉजिक यूज होगा, ये तो सिंपल हो गया, तीन ए के बदले छः डालो और हर बी से हर ए को निकाल दो, तो आपका क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा कि जो बी है वो टू टाइम्स है किससे, ए से। अब ट्रांजिशन देख लेते हैं, ट्रांजिशन का लॉजिक वही होगा जो इसने यूज़ किया है, हमने पहला वाला तो हमने डिस्कस कर ही लिया। अब दूसरा देखिए, जब यहाँ ए क्यू नॉट स्टेट में, क्यू नॉट स्टेट में जब यहाँ ए होगा यहाँ जेड नॉट होगा, यहाँ ए यहाँ जेड नॉट, तो हमें क्या करना है, इस ए के बदले दो ए डालने हैं। तो मैंने क्या डाल दिया, जेड नॉट तो पहले से पड़ा हुआ था, दो ए और डाल दिए, ये दो ए डाल दिए, और स्टेट क्यों चेंज कर दी, क्योंकि ये केस सिर्फ एक बार चलेगा कि यहाँ पे ए हो यहाँ पे जेड नॉट हो, इसलिए स्टेट चेंज कर, क्यू नॉट से क्यू वन स्टेट आ गई। अब स्टेट क्यू वन चल रही है, यहाँ पर ए आता है और यहाँ पर ए आता है, यहाँ पर ए आता है, यहाँ पर ए आता है, तो होना चाहिए क्या, ए। अब इस ए के बदले मुझे कितने ए डालने हैं, दो ए डालने हैं, ठीक है। तो मैं एक ए डाल दिया, एक ए डाल दिया, ठीक है। तो ये तो टॉप ऑफ द स्टैक को शो कर रहा है कि टॉप ऑफ द स्टैक पर क्या था, ए, और ये वो हैं दो ए जो मैंने डाले हैं। स्टेट क्या रहने दी मैंने, क्यू वन, क्यों, ये कई बार होगा कि यहाँ पर भी ये हो यहाँ पर भी ये हो, इसलिए मैंने इस बार स्टेट चेंज नहीं किया, जैसे हमने पिछले वाले में था कि जब दोनों जगह लूप चलाना हो हमें, ठीक। अगली बार देखिए, फिर यहाँ ये आया, फिर यहाँ ये आया, तो फिर से यही लूप चला, यहाँ ये यहाँ ये, तो इस ए के बदले कितने डाल दूंगा, दो ए डाल दूंगा, दो ए डाल दिए मैंने इसके बदले, ठीक। अब तीन ए के बदले मैंने छः ए डाल दिए, क्योंकि मुझे चेक करना है कि दूना है कि नहीं बी। अब जैसे ही पहला बी आया तो उसे टॉप पे क्या मिला, ए, क्यू वन स्टेट चल रही है, जैसे ही पहला बी आया स्टेक के टॉप पे क्या मिला, ए मिला। तो मुझे बी से तो ए को निकालना है, तो मैंने बी से तो ए को निकाल दिया, और साथ में स्टेट क्यों चेंज की मैंने, क्यू वन से क्यू टू, क्योंकि जब बी आ जाएंगे फिर ए नहीं आएगा, इसलिए मैंने स्टेट क्या कर दी, चेंज कर दी, स्टेट कर दी मैंने क्यू टू, ठीक, स्टेट मेरी क्यू टू हो गई। अब फिर से देखिए, फिर वही केस आएगा, यहाँ पर बी, भाई पहले बी ने पहले को निकाल दिया इस वाले केस से, अब फिर क्या होगा, फिर दूसरे वाले बी से, फिर दूसरे वाले को निकालना है, फिर इस बी वाले से इसे को निकालना है, फिर इस बी से इसे को निकालना है, यानी लूप लगाना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, क्यू टू में यहाँ पर बी हो और यहाँ पर क्या हो, ए हो, तो मैं क्या करूँ, स्टेट वही रखूँ और ए को बाहर निकाल दूँ, तो मैंने लूप लगा दिया यहाँ पर। ये क्या करेगा, बी जैसे आएगा और यहाँ पर ए मिलेगा, ये क्या करेगा, उसको पॉप आउट कर देगा, ठीक है। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा, क्यू टू स्टेट सेम है, जब तक सारे बी सारे को बाहर निकाल देंगे। तो तीसरा बी आएगा, इसको बाहर कर देगा, ये वाला बी आएगा इसको बाहर कर देगा, ये वाला बी इसको बाहर कर देगा, ये वाला बी इसको बाहर कर देगा। अगर सारे बी खत्म होने के बाद यहाँ नल बचता है, नल स्ट्रिंग, यानी क्यू टू स्टेट चल रही है, यहाँ पर क्या बच रहा है, लैम्डा, और यहाँ पर क्या बच रहा है, जेड नॉट। जेड नॉट बचने का मतलब क्या है कि सारे ए निकल गए, तभी तो जेड नॉट दिखा रहा है टॉप ऑफ द स्टैक पर। इसका मतलब क्या है, मेरे बी मेरे दूने थे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फाइनल स्टेट पर पहुँचा लूँगा, इस जेड नॉट को बाहर कर दूँगा, यानी बाहर कर दिया। तो ये ए की पावर एन बी की पावर टू एन के लिए हमने लिख दिया ट्रांजिशन। अब मैंने क्या बताया कि पहले दोनों के ट्रांजिशन लिख दो, उसके बाद कंबाइंड कर दो। मैं इनको कंबाइंड कर रहा हूँ, कंबाइंड करने में अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिखूँगा। तो पहले ये देखो, ये वाला ट्रांजिशन कितनी बार आ रहा है, ये देखो दोनों में सेम ही है, ये वाला और ये वाला, तो मैंने इसको एक बार लिखा है सिर्फ, एक को दोनों में से एक को हटा दिया, मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, जो रिपीट होंगे उनको हटा दीजिए, यहाँ मत आप कॉपी में मत हटाइएगा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए है। इसके बाद देखिए, क्या ये कहीं रिपीट हो रहा है ये वाला ट्रांजिशन, तो ये वाला तो रिपीट हो नहीं रहा है कहीं, भाई यहाँ पर तो ए जेड नॉट है, यहाँ पर ए जेड नॉट है, ठीक है। मैं इसको भी लिख देता हूँ, इससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, लेकिन कंबाइंड जब करेंगे तो एक ही बार लिखेंगे, कंबाइंड जब करेंगे तो एक ही बार लिखेंगे। अब देखिए, क्यू नॉट ए जेड नॉट, क्यू नॉट ए जेड नॉट, इसमें दिखा रहा है क्यू वन ए जेड नॉट, इसमें दिखा रहा है क्यू वन ए जेड नॉट, एक बार तो दिखा रहा है क्यू वन ए जेड नॉट कॉमा, एक बार दिखा रहा है क्यू वन ए ए जेड नॉट, दोनों ट्रांजिशन मैंने लिख दिए भाई, ये तो मैंने एक बार लिखा और दो पॉसिबल ट्रांजिशन दिखा रहा, तो वो यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक। अगला क्या है, क्यू वन ए, इस पर तो दिखा रहा है क्यू वन ए, इस पर क्या रखा है क्यू वन ए पे, क्यू वन ए ए ए,
एक तो क्यू वन ए आ रहा है और एक क्यू वन ट्रिपल ए आ रहा है। ऐसे क्यू वन बी ए पर, यहाँ पर क्यू टू लेमडा है, यहाँ पर देखिए क्यू वन बी ए पर, यहाँ पर भी क्यू टू लेमडा है, तो ये दो दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला, तो जो सेम है वो मैंने एक बार लिखे हैं, देखिए एक ही बार आ रहा है। ऐसे ही क्यू टू बी ए क्यू टू एफ, क्यू टू बी ए क्यू टू एफ, ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसको भी मैंने क्या किया, एक बार लिखा है। इसको देखिए क्यू टू लेमडा जेड नॉट क्यू एफ लेमडा, क्यू टू लेमडा जेड नॉट क्यू एफ लेमडा, ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसको भी मैंने क्या किया, एक बार लिखा। तो जो ट्रांजिशन रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखिए, जो सेपरेट है उनको अलग लिखिए। तो दिस इज योर फाइनल ट्रांजिशन डायग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम, ए की पावर एन बी की पावर एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यूनियन ए की पावर एन बी की पावर टू एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। कोई भी और भी प्रॉब्लम आए तो सेम लॉजिक ही यूज़ करेंगे प्रॉब्लम यूज सॉल्व करने के लिए, कि पहले एक का ट्रांजिशन लिखिए, फिर दूसरे का ट्रांजिशन लिखिए, फिर उनको क्लब कर दीजिए और रिपीटेड ट्रांजेक्शन्स को हटा दीजिए। ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।